तो ये हमारे सब फ्रेंड्स हैं जो तो फ्रेंड्स ये मेरे फ्रेंड हैं, अपने भाई की तरह हैं, ये कोरिया से हैं। राम गाड़ी वाले जरा हले हले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले भैया हलके गाड़ी हाँ। से हाय टू ऑल ठीक है। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए अपने कोरियन ब्रदर सिस्टर के साथ, तो आप हमारे ब्लॉग में प्लीज बने रहें और चलते हैं और आज हम लोग जो जो करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नमस्ते। तो हम लोग आप देख सकते हैं हमारे संग कोरियन भाई बहन हैं, जो कि आज एक प्रोग्राम है हम लोगों का, उसमें हम लोग जा रहे हैं। सो आपको मैं और भी दिखाता हूँ इधर का। आज हम लोगों का एक प्रोग्राम है, वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं बस से और पहुँचाएंगे अभी थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, से हाय टू ऑल ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पर प्रोग्राम के लिए। ये दिल्ली में मल्टीपर्पज़ हॉल है, यहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम है। कोरियन भाई बहन भी आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। Thank you.
this project is not just about serving the community or making a temporary impact. It is about embracing the nation that we are all in a family. Model Peace Service Project be a beacon of hope, a testament to the power of unity and a step and the joy. Hence, many big singers of Indian choose to sing his couplets. We had it in this form, and so now let's start our performance without any delay. राम गाड़ी वाले जरा हले हले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले भैया हलके गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले जरा हले हले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले गाड़ी मारी रंग बिरंगी रैया लाल गुलाल हो हो गाड़ी मारी रंग बिरंगी रैया लाल गुलाल हाकण वाली छबीली हाकण वाली छबीली बैठण वाला राम भैया हलके गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले जरा हले हले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले भैया हलके गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी गाड़ी वाले गाड़ी अटकी रेत में भाई मचल पड़ी है धर्मी धर्मी पार उतर गया धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकनाचूर भैया हलके गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले जरा हले हले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले भैया हलके गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले जरा हले हले गाड़ी हाको। तो फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड हैं, अपने भाई की तरह हैं। ये कोरिया से हैं और आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा और हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया प्रोग्राम में। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, यू वांट टू से समथिंग या अभी ये थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह नहीं जानते हैं और हिंदी भी नहीं जानते हैं, लेकिन आगे आने वीडियोज़ में आपको भैया के साथ हिंदी में बात करेंगे और मैं इनको हिंदी सिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पर पार्टी में हैं, अभी प्रोग्राम के बाद खाना पीना हुआ और अब खाने पीने के बाद हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट घूमने के लिए। तो चलते हैं इंडिया गेट की तरफ और यहाँ हमारे भाई लोग हैं, इनको घुमाना है इंडिया गेट। तो चलते हैं और देखते हैं आगे कैसा होता है ट्रेवल और क्या मज़े करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, आप देख सकते हैं। से हाय। तो ये हमारे सब फ्रेंड्स हैं जो अभी इंडिया गेट घूमने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इंडिया गेट आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हम सब लोग इंडिया गेट जाएंगे घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं राजपथ पर। इसी के सामने इंडिया गेट है और अभी उधर भी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब इंडिया गेट पहुँच गए हैं और अंडरपास से होते हुए, और अब इन सब लोगों को लेकर के इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं कोरियन भाई बहन जो आए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब इंडिया गेट पे, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं इंडिया गेट
आप देख सकते हैं। ओके ये हम लोगों के सब कोरियन फ्रेंड्स हैं जो आए हैं, और इन लोगों को हम लोग घूमने के लिए ही लाए हैं यहाँ पर, इंडिया गेट घुमाने के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं यहाँ पर इंडिया गेट पे अपने सारे दोस्तों के साथ। आप देख सकते हैं और इसके बाद चलेंगे हम लोग आगे सेंटर की तरफ, जहाँ पे हम सभी लोग रुके हुए हैं, मगर अभी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आया आज घूम के। ये हमारी पूरी टीम है जो कि साउथ कोरिया से आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लौट के आ गए हैं इंडिया गेट वगैरह घूम के, और अब हम लोग अपने सेंटर में जा रहे हैं। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, और इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, क्योंकि अब हम लोग जो है अगले 21 दिन तक एक साथ ही घूमने वाले हैं, पूरे प्रोग्राम वगैरह कराएंगे और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे साथ हर ब्लॉग में बने रहें, और नए नए एक्टिविटीज़ के साथ मिलेंगे हर एक ब्लॉग में। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इस ब्लॉग में बने रहने के लिए, और आशा करता हूँ हमारे इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे।